आपकी असेसमेंट से। प्लीज गिव द माइक टू मैम। सबसे पुरानी ब्रांच है और मैं चाहूंगी कि इनसे प्लीज अपने दोस्त सबको बोले यहाँ तक आने के लिए आपको कितना समय तय करना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा। प्लीज थैंक यू श्रृंखला। इट्स ए ग्रेट ऑनर आई एम फीलिंग टुडे विद अनु सर हियर, बिकॉज मैंने इनको देखा नहीं था और मेरा देखे ही मुझे इतना सारा कुछ सर ने सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया। नो डाउट 2 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस 5-7 बच्चे थे और उसके बाद सब सर से मेरी मुलाकात हुई तो सर की मोटिवेशन से मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया और उससे मुझे ये लग रहा था कि मैं इतने मार्केट में इससे कॉम्पिटिशन कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी से उसमें काम किया और हमने अपने ब्रांड को एक बनाया है अंबिकापुर में कि हाँ माय प्लैनेट पे केयरिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर होती है। जो हर पेरेंट्स चाहता है उसके बच्चों को एप्रिशिएशन चाहिए, केयर चाहिए, हर चीज़ में हम पेरेंट्स को प्राइजेस देते हैं, बच्चों को प्राइजेस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं और हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स ही एडमिशन ला के देते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद पेरेंट्स भेजते हैं एडमिशन से, क्योंकि हमारे स्कूल के पास ही हॉस्पिटल है और मैक्सिमम पूरे स्टाफ वहाँ की, उनके डॉक्टर नर्सेस सब हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि दे ऑल आर वर्किंग और वो चाहते हैं कि ठीक है मैडम के यहाँ केयर बहुत होता है और हमारे टीचर्स सच में, दिस इज फॉर माई ऑल टीचर्स ऑल्सो माई अंबिकापुर टीम एंड माई डॉटर इज हेड मिस्ट्रेस ऑफ माई स्कूल और कोऑर्डिनेटर इज राखी इज विद मी, ये सबके लिए मैं ये प्राइजेस उनको डेडिकेट करती हूँ। दे आर हार्ड वर्किंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्किंग और अभी लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत कुछ करना है, अंबिकापुर का नाम रोशन करना है माई प्लैनेट के नाम से, जैसे कि बचपन और इससे फिर्जी कर रहे हैं। नो डाउट आई हैव द ग्रेट फेथ ऑन गॉड एंड ऑन माई माई टीम एंड मी ऑल्सो एंड अनुप सर ऑल्सो, वी विल डू बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।